हेलो एवरीवन, मैं आपके साथ मनोज वर्मा एंड इस वीडियो के अंदर मैं आपको ये बताऊंगा कि बाइनेंस की एपीआई को अब बाइनेंस की एपीआई कैसे लेनी है। तो इसके ऊपर मैं पहले भी वीडियो बना चुका था, बट हुआ क्या कि बाइनेंस ने अपना यूआई चेंज कर दिया है, आईपी ऐड करने का ऑप्शन ऐड कर दिया है, तो काफ़ी लोग कन्फ्यूज हो रहे हैं। तो विथ इन 2 मिनट के अंदर मैं आपको बाइनेंस की एपीआई कैसे लेते हैं वो बता दूंगा, बट बाइनेंस पे ऑर्डर कैसे डालते हैं ट्रेडिंग व्यू की हेल्प से, ऑटोमेशन ट्रेडिंग कैसे करते हैं, इसके लिए वीडियो की प्लेलिस्ट डाल दूंगा, आप उसे देख के ये चीज़ें कर सकते हो। तो सबसे पहले अपने प्रोफाइल पे जाना है, प्रोफाइल पे जाने के बाद आपको एपीआई मैनेजमेंट पे जाना है। जैसे आप क्लिक करोगे आप इस पेज पे आ जाओगे, और इस पेज पे आने के बाद आपसे पूछा जाएगा क्रिएट एपीआई, आपको क्रिएट एपीआई पे क्लिक कर देना है। यहाँ आपसे पूछा जाएगा सिस्टम जनरेटेड एंड सेल्फ जनरेटेड, तो हम सिस्टम जनरेटेड पे क्लिक करेंगे, नेक्स्ट कर देंगे। आपसे एपीआई का एक नाम रखने के लिए कहा जाएगा, आप इसका नाम कुछ भी रख सकते हो, मैं टेस्ट एंड डेमो रख देता हूँ, आप एज ए रेफरेंस के लिए अपना कोई भी नाम ऐड कर सकते हो। उसके बाद ये आपसे कैप्चा सॉल्व करने के लिए कह रहा है, मेरे केस में हो सकता है आपके केस में ना कहे, आपकी चॉइस है। उसके बाद मेल पे ये कह रहे हैं कि एक वेरिफिकेशन कोड आएगा, मैं गेट कोड पे क्लिक करूंगा। इस चीज़ का ध्यान रखना, गेट कोड पे क्लिक करोगे जब भी कोड आएगा, अदरवाइज कोड नहीं आएगा। तो मैं गेट कोड पे आ गया, मेरा कोड मैं इसे लेके आ जाता हूँ आपके सामने, और ये कोड मैंने इसके अंदर डाल दिया। उसके बाद ये ऑथेंटिकेशन कोड को ऐड करने के लिए कह रहा है, आपके पास गूगल ऑथेंटिकेशन होगा आप उससे डाल सकते हो, मैं पीसी के लिए यूज़ करता हूँ तो पीसी के लिए मेरे पास ये रहा, मैं इस पर क्लिक करता हूँ, ये कॉपी हो जाएगा और मैं इसे डाल देता हूँ, एंड मेरी एपीआई क्रिएट हो गई। तो क्रिएट होने के बाद मेरे पास कुछ इस तरीके से एपीआई आई है। इस चीज़ के अंदर आपको एक ध्यान रखना है, सबसे पहले तो आप जो करना चाहते हो वो कर लो। जैसे मोस्टली लोग जो करना चाहते हैं वो ये करना चाहते हैं, पहले तो हम इस पर क्लिक कर देते हैं, यहाँ पर एडिट पर क्लिक करेंगे, एडिट रिटेक्शन, एंड इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर हम करेंगे एक्सेस टू ट्रस्टेड आईपी। तो आपको इस पर क्लिक करना है, इस पर क्लिक करने के बाद आपको आईपी डालना है। आईपी क्या डालना है मैं बाद में बताऊंगा, सबसे पहले आपको वो चीज़ें ऐड कर लेनी जो चीज़ें आप करना चाहते हो। तो सबसे आईपी ऐड करवाने के बाद ये ऑप्शन खुलवाएंगे, तो आईपी जो है मैं आपको दिखा देता हूँ, आईपी है ये आईपी ओनली फॉर बाइनेंस के लिए, एक बाइनेंस के सर्वर से हमने एक छोटा सा एक आईपी निकाल रखा है, मल्टी आईपी है, तो एक आईपी हम खाली ये रजिस्टर्ड आईपी के लिए यूज़ करते हैं। तो ये आईपी आप देख सकते हो 65.0.51.141, आप देख सकते हो मैं आपके सामने आईपी डाल रहा हूँ, आप भी डाल देना। डालने के बाद कंफर्म कर देना, कंफर्म करने के बाद ये ऑप्शन इनेबल हो जाएंगे। उसके बाद आपको जो करना है आप वो करो, जैसे मैं फ्यूचर ट्रेडिंग करना चाहता हूँ, एंड उसके बाद इस पर भी क्लिक कर दिया, इस पर भी क्लिक कर दिया, एंड स्पॉट एंड मार्जिन पे भी क्लिक कर दिया। तो इनेबल विड्रो फंड को छोड़ के आप सारी चीज़ें कर लेना, क्योंकि इनेबल विड्रो फंड सेफ नहीं है इन चीज़ों को करना। अब ये एपीआई की है, ये सीक्रेट, तो इसको आप नेक्स्ट लेवल बोर्ड पे जाके ऐड कर सकते हो। नेक्स्ट लेवल बोर्ड पे जाओगे आप, और यहाँ डैशबोर्ड पे जाओगे, डैशबोर्ड पे जाने के बाद एपीआई क्रेडेंशियल पे जाओगे, एपीआई क्रेडेंशियल पे जाने के बाद एडीपीआई पे क्लिक करोगे, तो यहाँ पर दो वे हैं हमारे पास, बाइनेंस वर्जन भी और बाइनेंस V2 भी है। तो आप बाइनेंस V2 यूज़ कर रहे हो तो बाइनेंस टेस्ट नेट की भी एपीआई ऐड कर सकते हो, और बाइनेंस फ्यूचर की भी एपीआई ऐड कर सकते हो। एपीआई ऐड करने के लिए देखो बाइनेंस पे हम चलते हैं, मैं दिखा देता हूँ एक बार आपको। तो यहाँ पर अगर देखोगे एक बाइनेंस, एक बाइनेंस V2 है, तो अगर बाइनेंस पे ऐड करोगे एडीपीआई तो ये डिटेल मांग रहा है, और आप बाइनेंस V2 पे क्लिक करोगे तो यही डिटेल मांग रहा है। ठीक है जी, बस यहाँ पर आपसे दो चीज़ें पूछ रहा है कि अगर आप बाइनेंस फ्यूचर में काम करना चाहते हो रियल में तो आप इसे सेलेक्ट करोगे, अगर टेस्ट नेट पे काम करना चाहते हो तो इसे सेलेक्ट करोगे। आई होप आपको पता चल गया होगा। उसके बाद आप इसे सेव कर लेना, सेव करने के बाद बैक पे जाओगे, और फिर आपको कुछ इस तरीके से आपको आपकी एपीआई शो होगी, जैसे मेरे को शो हो रही है, बस ये ऑफ शो होगी, आपको इसे ऑन करना पड़ेगा। ऑन करने के लिए आपको मेंबरशिप लेनी पड़ेगी, जब भी आप ऑन कर पाओगे, अदरवाइज ऑन नहीं कर पाओगे, बस एपीआई ही ऐड कर पाओगे। उसके बाद आप ट्रेडिंग व्यू से ऑर्डर डाल सकते हो, और ट्रेडिंग व्यू से ऑर्डर कैसे डालते हैं इसके लिए बहुत सारी वीडियो है, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। आई होप आपको पता चल गया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड बाय।